हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, ये सुबह का समय है और लगभग सुबह के ये बज रहे थे, 8 के करीब हो गया था जब हम निकले थे। फिर से एक बार सुबह उठे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा कम हो जाए तो कुछ फूल वगैरह तोड़ लिया जाए। और बाहर आके हम देखे तो रिमझिम रिमझिम बारिश अभी भी चल रही थी और पानी इतना भर गया है चारों तरफ। पूरा लखनऊ में ऐसे ही पानी भर गया है क्योंकि लगातार 2 दिन से रात दिन बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। थोड़ी देर के लिए हल्का फुल्का आधा आधा घंटे के लिए थोड़ा सा कम करते हैं, भगवान थोड़ा धीमा होते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। तो यही हाल है आजकल मौसम का और देखते हैं कब तक कम होती है बारिश। तो फ्रेंड्स, आ गए थे किचन में हम बनाने के लिए नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए, ये प्याज है और टमाटर है और खीरा, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, और उसके बाद उसमें मैंने डाला है भुना हुआ पिसा जीरा, और ये है दही और सूजी जिसको 10-15 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया था सूजी को दही में। और बस इसको अब मैं अच्छे से चला के मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा और नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और एक चुटकी मैंने इसमें डाला है खाने वाला सोडा, और ज़्यादा कुछ मिर्च मसाला नहीं डाला है क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता है तो फिर ऐसे ही थोड़ा सिंपल सा ही रहे, ज़्यादा तीखा नहीं क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते हैं। और बस मैं इन लोगों को सबको मिक्स कर लूँगी अच्छे से हाथों की सहायता से। और स्कूलों में छुट्टी हो गई है, आ गया था मैसेज फ़ोन पे ही कि स्कूल नहीं खुले हैं, तो आराम से फिर मैंने बनाया नाश्ता। और ये देखिए, सब कुछ मैंने मिक्स करके एक साथ रख लिया है, तवा भी रख लिया है और तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। आप तेल कुछ कोई भी खाने वाला तेल यूज कर सकते हैं, चाहे रिफाइंड हो, चाहे घी हो, चाहे जो भी हो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद इसमें मैंने कलछी की सहायता से मैंने इसमें डाला है एक कलछी बैटर को, और बस उसके बाद ढक दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर ढक्कन को हटा के ऐसे मतलब चारों तरफ से चम्मच से लगा के फिर इसको पलट दिया था, और फिर पलटने के बाद फिर इसको ढक के मैंने 2-3 मिनट पका लिया था। तो बहुत ही टेस्टी चीला बन के तैयार हुआ था, ये सूजी का चीला आप इसे बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ था। और फिर बच्चों को पसंद आया था, टोमेटो सॉस के साथ बच्चे खाए थे। तो आप इस तरह से, जैसे सब्जियां वगैरह बच्चे नहीं खाते ना, और बड़ी बड़ी टुकड़ों में सब्जियाँ रहती हैं तो बच्चे और इग्नोर करते हैं, नहीं खाते हैं, तो इस तरह से आप मिक्स करके बच्चों के लिए बना सकते हैं नाश्ता। तो ये देखिए, मेरा सूजी का चीला बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये नाश्ता कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। और अभी बहुत गर्म है तो मैं जा रही थी गर्मा गर्म देने के लिए। तो अभी आपको मौसम का हाल मैं दिखाती हूँ कि अभी बारिश वैसे ही हो रही है और बारिश बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, नाश्ता तैयार है, आप लोग भी कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, भीगते हुए ऑफिस जा रहे हैं और हल्का हल्का अभी हल्का क्या बारिश हो रही थी, लगभग भीगने भर का बारिश तो हो ही रही थी, बाद में फिर तेज हो गया था। ये देखिए कितना तेज बारिश हो गई है, काम चले, लाइट भी ना है ना, मोबाइल स्विच ऑफ वाला है, और ऐसे ही कम से कम 2:30-3 बजे तक पानी बरसा था, दिन में पानी बंद नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, नहीं हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। गुड मॉर्निंग, 12:05 बाकी हैं, अंधेरा कायम रहेगा धमराज किल्बिस। ये कौन है इतनी बारिश हो रही है कि
लाइट भी चली गई है, देख रहे हैं, और पानी भी नहीं बंद हो रहा। जम के बादल छाए हैं, जम के पानी बरस रहा है। लखनऊ में पूरा चारों तरफ पानी 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 हो गया है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब जल्दी ही फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो आप लोगों को कहते हैं हम बाय बाय।